जय जोहार संगवारी हो, मैं हूँ आपमन संघापन के महिमा पांडे और आपमन के स्वागत करता हूँ खबर संझावा। चला शुरुआत करथन बुलेटिन के ए वक्त के बड़े खबर बलरामपुर ले आ रहे थे, जहाँ केंद्रीय राज्य मंत्री रेणुका सिंह के बड़े बयान सामने आई से अपन ला बता देवा। केंद्रीय राज्य मंत्री रेणुका सिंह बोलिन है की ए सेकेंड ए समय ला नोट कर लेवा, मैं दावा के साथ कहूँ 2023 मार्च छत्तीसगढ़ में भाजपा के सरकार बनगी। कांग्रेस के बूथ चलो अभियान पर तंज भी कसी से बता देवन, भाजपा के नकल कर रहा थे कांग्रेस, ऐसे कही से केंद्रीय राज्य मंत्री रेणुका सिंह। बड़े खबर बता रहा था बलरामपुर ले, वो भारतीय जनता पार्टी का नकल करना चाह रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी चरे वेति हमारा मूल मंत्र है। चाहे चुनाव हो चाहे चुनाव ना हो, तो सिर्फ चुनावी प्रदेश करके हम काम नहीं करते, बल्कि प्रत्येक दिन बूथों पर काम करना और हमारे बहुत सारे मोर्चा प्रकोष्ठ हैं जिनके माध्यम से हम हर वर्ग पार्टी के मोर्चा के रूप में भी उनकी सेवा करते हैं, मदद करते हैं। भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत मिलेगी, बल्कि आज मैं सूरजपुर में मीडिया के साथियों को बोल रही थी कि वो इस समय, आज आपके सामने भी कह रही हूँ कि आज अभी आप इस समय को नोट कर लीजिए, इस सेकेंड को नोट कर लीजिए। मैं दावे के साथ कहती हूँ कि 2023 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार यहाँ पर बनेगी। वो भारतीय जनता पार्टी इति छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पीएम मोदी के आरोप ऊपर जवाब दी है। सीएम बघेल भाजपा ऊपर करारा वार करते हुए कही से कि भाजपा सारा भ्रष्टाचारी मल्ला भाजपा में देखना चाह रहा थे। भाजपा के विजय संकल्प महारैली मां काली पीएम मोदी शराब घोटाला ले लेके कई घोटाला गिना रही है। सीएम भूपेश जवाब मां महाराष्ट्र के उदाहरण देते हुए कही से कि पीएम मोदी भ्रष्टाचार ऊपर बड़े बड़े बात करते, 8 दिन में ही जेकर ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगे रही से वो सारे मन मंत्री बन गिन है, चाहे अजीत पवार हो या छगन भुजबल। कल बहुत जोर शोर से भ्रष्टाचार का मामला उठाया गया, भ्रष्टाचार जीरो टॉलरेंस की बात कही जा रही है। मध्य प्रदेश में भी प्रधानमंत्री जी सीना ठोक के बोले कि एक भी भ्रष्टाचारी को नहीं छोड़ूंगा। तो हम लोग सोच रहे थे कोई भ्रष्टाचारी अब देश में बचेगा नहीं, लेकिन ठीक 8 दिन बाद जिन लोगों के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप थे, महाराष्ट्र में सब लोग पाला बदले और सारे के सारे मंत्री बन गए। ये जो कह रहे हैं उसका अर्थ ये है कि किसी भी भ्रष्टाचारी को वो भारतीय जनता पार्टी से बाहर देखना नहीं चाहते। सब भारतीय जनता पार्टी में आ जाओ और इनको भ्रष्टाचार नहीं दिखाई देता जो उनके पार्टी के लिए। शिवराज सिंह चौहान व्यापम घोटाला क्या हुआ भाई, आदेश हुआ था सीबीआई जांच कराओ, क्या की सीबीआई। रमेश पोखरियाल रमन सिंह हमारे 15 साल के मुख्यमंत्री जो कहते थे कि एक साल कमीशन खोरी बंद कर दो 15 साल फिर राज करो, यही कहा था ना उन्होंने। रमन सिंह के खिलाफ कितने आरोप, नान घोटाला हुआ, चीट फंड घोटाला हुआ, पनामा पेपर लीक हुआ। 2008 में उनकी संपत्ति 1 करोड़ थी, 18 आते आते 15 करोड़ हो गए, 15 गुना बढ़ गया। तो ईडी का दुरुपयोग है, आईटी का दुरुपयोग है केवल विपक्षियों के लिए, और मार मार के पीट पीट के
लिखवाया जा रहा है कि इसका नाम लो, उसका नाम लो, नहीं तो या तो तुम गवाह बन जाओ नहीं तो जेल का रास्ता है। दबाव डाल डाल के लिखवाया जा रहा है कि तुम स्वीकार करो। यही हाल पूरे देश भर में, एक पैसा छत्तीसगढ़ के लिए नहीं दिया गया, केवल चुनावी भाषण करके चले गए। शराब घोटाले की बात करते हैं, 3900 करोड़ उनके समय राजस्व आता था 2017 में, आज 6500 करोड़ हो गया शराब घोटाला। तो जो जहां से शुरुआत हो रही है उस खुद को पकड़ नहीं रहे, ये इनकी स्थिति। प्रधानमंत्री जी राज्य सरकार के लोगों को आलोचना कर रहे हैं, मतलब उसके बराबर ही हो गए, हम तो बहुत बड़ा मानते हैं। इति छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव हा खिलाड़ी के अंदाज में कांग्रेस पार्टी में अपन भूमिका ला बता दी है। सिंहदेव हा विधानसभा में चुनाव लड़े ला लेके कही है कि पार्टी टिकट दे ही तो चुनाव लड़ू, मैं कह रहा हूँ कि अगर मैं टीम में कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ तो खेलू, मैं चाहता हूँ कि मोर सिलेक्शन हो, मोला लगते कि मैं टीम में योगदान दे सकता हूँ, उन्हें टीम के वाइस कैप्टन बनाए ला लेके सिंहदेव हा कही कि अभी तक पर मैं टीम के वाइस कैप्टन बनाए गए हूं, अगला सीरीज पर मोर सिलेक्शन होना है। ये कहा था मुझे अगर ये लगता है कि मैं अभी भी टीम में कंट्रीब्यूट कर सकता हूं तो मैं खेलूंगा, मैं चाहूंगा कि मेरा सिलेक्शन हो। अगर मैं टीम में लग रहा है कि योगदान नहीं दे पा रहा, फील्डिंग करने झुक रहा हूं, बॉल हाथ से निकल जा रही है, कैच नहीं कर पा रहा, रन नहीं बना पा रहा, विकेट नहीं ले पा रहा, तो फिर मुझे टीम में रहना चाहिए क्या? नहीं रहना चाहिए। और अगर मुझे लगता है कि हाँ नहीं कुछ योगदान दे सकता हूँ, फिर अगर सिलेक्शन होता है तो खेलूंगा। उनकी सबसे बड़ी कमजोरी हो गई है धान की खरीदी, क्योंकि ऑन रिकॉर्ड दिल्ली की सरकार ने ये कह दिया कि अगर आप बोनस दोगे तो हम आपका चावल ही नहीं उठाएंगे। जो धान खरीदने की बात आज सरकार केंद्र की कर रही है, उस सरकार ने चावल उठाने के लिए लिखित में कहा है कि हम चावल नहीं उठाएंगे, पीडीएस का भर उठाएंगे, बाकी चावल नहीं उठाएंगे। अर्थात पहली चीज वही प्रमाणित हो जाता है कि वो धान खरीदी नहीं कर रहे। अगर वो धान खरीदी कर रहे होते तो चावल नहीं उठाने की तो बात ही नहीं होती। इति भाजपा के राष्ट्रीय महिला मोर्चा सदस्य उषा वाजपेयी बस्तर के 4 दिवसीय प्रवास पर जगदलपुर पहुंची और विभिन्न विधानसभा के महिला कार्यकर्ता मन मुलाकात करी और विभिन्न कार्यक्रम में हिस्सा ली। शहर के सोडिंग समाज भवन में उषा वाजपेयी पत्रकार मन चर्चा करते हुए केंद्र सरकार की के उपलब्धि और योजना के सराहना करी है। वह छत्तीसगढ़ में एक बार फिर भाजपा के सरकार बने के दावा करी है। बस्तर के विकास में जो भी आवश्यकता है हमारी महिलाएं जरूर करेंगी। वो सीट के लिए बिल्कुल ललायत नहीं है, पर बस्तर का विकास हो, उनके बाल बच्चे आगे बढ़े, उनका घर समृद्ध हो, उनके बच्चों की अच्छी शिक्षा मिले, उनको सही रास्ता मिले, सही रोड मिले, सही विकास का कार्य हो, ये सब महिलाएं। मेरे साथ बस्तर की 12 विधानसभाओं में अगर 12 की 12 महिला सक्षम और योग्य रहेंगी तो आएंगी। जो योग कमीशन का जो रूल है वो तो फॉलो ही करेंगे हम, और ऊपर से महिलाओं का अगर योग्य महिला रहेंगी तो जरूर बस्तर में आएंगी। बड़ी खबर जशपुर ले, जी हाँ, जिला में लगातार बढ़ रहे थे हाथी मन का आतंक। 4 हाथी मन के दल है, उत्पात मचाई से। आप मन ला बता देवाओ, घर में रखे अनाज और घर ला क्षतिग्रस्त करी से। हाथी ला खदेड़े में वन विभाग नाकाम दिख रहे थे, तपकरा वन परिक्षेत्र के ये पूरा मामला बताया जा रहा थे। बड़े खबर जशपुर ले बता रहा था, जहां जिला में लगातार हाथी मन के आतंक बढ़ रहे थे। 4 हाथी के दल उत्पात मचा दी से, घर में रखे अनाज और घर ला क्षतिग्रस्त करीन है। हाथी ला खदेड़े में वन विभाग नाकाम दिख रहे थे, तपकरा वन परिक्षेत्र के ये पूरा मामला बताया जा रहा थे। ये दिन ट्रेन में सफर करना सजा जैसे हो गए है। ट्रेन लगातार लेट होले यात्री मन के परेशानी बढ़त जात है। मेल एक्सप्रेस समेत लोकल ट्रेन अपन निर्धारित समय ले 3 से 4 घंटा देरी ले चल रहा थे। वह ट्रेन के लेट होए ऊपर प्लेटफार्म ऊपर यात्री मन के काफी भीड़ उमड़ रहे थे। मामला में स्टेशन के जाजा ली समर संवाददाता मोहम्मद हसन है। जिनों ट्रेनों से सफर करना किसी मुसीबत से कम नहीं रहेगा। जी हम बात कर रहे हैं रेलवे की, लगातार जो ट्रेनों का लेट होने का सिलसिला है वो जारी है। आपको बता दें अमूमन जितनी भी एक्सप्रेस ट्रेनें, लोकल ट्रेनें समेत जितनी भी जो ट्रेनें हैं
वो लगातार लेट होने की जो शिकायत है वो यात्रियों द्वारा की जा रही है। आपको बता दें 2 से 3 घंटे विलंब ट्रेनें अपने निर्धारित समय से चल रही, खासतौर पर वो ट्रेनें जो लंबा सफर तय करती है। लखनऊ की बात करें, दिल्ली की बात करें, सिकंदराबाद की बात करें, सभी जो एक्सप्रेस और मेल ट्रेनें वो लगातार लेट हो रही है, जिसके चलते यात्री परेशान हो रहे हैं। कई ऐसे यात्री भी हैं जिनकी ट्रेनें भी छूट जा रही हैं। आपको बता दें रोजाना 5 से 10 ट्रेनें अपने निर्धारित समय से लेट चल रही हैं। इसके पीछे कई स्टेशनों में निर्माण कार्य, वहीं दूसरी ओर अब मानसून की भी शुरुआत हो गई, जिसके चलते कई ट्रेनें अपने निर्धारित समय से लेट चल रही है। बहरहाल देखना होगा इन व्यवस्थाओं को लेकर के रेलवे द्वारा क्या कुछ प्रयास आगे किए जाते हैं। कैमरामैन मलकीत सिंह के साथ छत्तीसगढ़ अनियमित कर्मचारी मोर्चा द्वारा अपन 4 सूत्री मांग लेके 14 जुलाई के सीएम आवास घेरे के घेरे पर कहीं है। नियमितीकरण छटनी प्रक्रिया बहाल करे, आउटसोर्सिंग ऊपर ठेका प्रथा बंद करे और अंशकालीन कर्मचारी के पूर्णकालीन करे, कर्मचारी मन मांग कर रहे थे। माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री महोदय से आग्रह करूंगा कि प्रदेश के अनियमित कर्मचारियों को जो आपने कमिटमेंट किया है उसके अनुरूप प्रदेश के नियमित करें और आउटसोर्सिंग बंद करें, उसके लिए एक नीति निर्धारित करें जिससे क्या है ये कर्मचारी अपने आप को सुरक्षित महसूस करें। इति मेडिकल एजुकेशन के क्षेत्र में आज सरगुजा संभागवासी मतलब बड़े सौगात मिली से। लंबा समय के इंतजार के बाद आज अंबिकापुर राजमाता देवेंद्र कुमारी शासकीय मेडिकल कॉलेज के लोकार्पण करेगी। दरअसल मेडिकल कॉलेज के लोकार्पण ऊपर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव समेत कई बड़े नेता अंबिकापुर पहुंचने वाला रही, लेकिन रायपुर में मौसम खराब होने के कारण मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव वर्चुअल माध्यम से राजमाता देवेंद्र कुमारी शासकीय मेडिकल कॉलेज के लोकार्पण करें। इतनी बड़ी खबर रायपुर ले जी हां, यात्री बस और स्कूली बस में लगी पैनिक बटन, महिला यात्री और छात्रा मन के सुरक्षा पर एहर लगाए जाही। आप मन ला बता देवम परिवहन आयुक्त दीपांशु काबरा है बात के जानकारी दी है। अपन लग बड़े खबर बता रहे थे रायपुर ले जी हाँ, महिला यात्री और छात्रा मन पर पैनिक बटन लगाए जाही। अब बस वहाँ परिवहन आयुक्त दीपांशु काबरा है कर जानकारी दी है। यात्री बस और स्कूली बस में पैनिक बटन लगाए जाही, बड़े खबर रायपुर ले। इसी धमतरी जिला के बंजारी गांव ले चेतना स्व सहायता समूह के महिला के साथ धोखाधड़ी के मामला सामने आई है। जी हाँ, एक व्यक्ति काम दिलाए के नाम ऊपर समूह के महिला मन के संग मां धोखाधड़ी कर फरार होगी है। समूह के महिला हा बताई कि पहले चप्पल बनाए बर मशीन दे बर 10,000 एडवांस मांगिस और पैसा लेके बाद मशीन नहीं दीस, जेकर बाद निर्मा बनाए के मशीन महिला समूह ला दे गए रही है, लेकिन मशीन के पूरा सामान नहीं दे गए रही है और 1,00,000 रुपया लेके फरार होगी, जेकर से परेशान होके अब महिला समूह जिला प्रशासन के शिकायत कर पैसा वापस दिलाए और आरोपियों पर कार्रवाई की मांग करी से। इति भरतपुर सोनत विधानसभा के भरतपुर ब्लॉक में 15 घंटा ले ब्लैकआउट हो ले, लगभग 60 गांव काली रात अंधेरा में डूबे रही है। बता देवन भरतपुर ब्लॉक में रोजाना बिजली गुल होते जेकर ले लोगन ला परेशानी के सामना करना पड़ रहा थे। कई बार विधायक ला समस्या ले अवगत कराए के बाद भी बिजली के समस्या ले लोगन मन निजात नहीं पा रहे थे। मेरे भरतपुर मेरे चांग बखार में विगत 18-20 घंटे से लाइट गोल है और यहाँ प्रायः लाइट कटौती होते रहता है। मेरे माड़ीसराय एरिया में तो बिल्कुल लाइट का कोई निश्चित नहीं है, 24-24 घंटा दो तीन दिन तक लाइट गोल रहता है, लाइट आता है जाता है, लाइट आता है, कहीं स्थायी पे नहीं रहता है। क्षेत्र के लोग बहुत परेशान हैं, त्रस्त हैं, बिजली समस्या इतना संकट बना हुआ है कि सभी कोई हम लोग बिजली समस्या से जूझ रहे हैं। ये बुलेटिन है, यही सिरावत है, आगू ज्यादा अपडेट पर बने रहो 24/7 के साथ। जय जोहार।